Other सब विषय ब्लड प्रेशर, हाई लो, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, वास्तव में देखा जाए तो ये सारे रोगों का कारण एक ही होता है। वैसे और आपने सभी ने पढ़ा है दस सिद्धांतों में, रोग हमारा शरीर एक है, रोग एक है, उनकी चिकित्सा है। उस सिद्धांत से देखा जाए कोई अलग अलग बीमारी कोई है नहीं, वास्तव में है भी नहीं। रोगों का कारण आप लोगों ने पढ़ा है सभी ने, एक ही कारण है कि शरीर में विषाक्त द्रव्यों का एकत्रित हो जाना। और कुछ रोग तो ऐसे, पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, कुछ रोग तो ऐसे हैं जिनको हम उस निष्कासन क्रिया के होने में जो प्रक्रिया होती है उसको रोग मान लेते हैं। जैसे तीव्र रोग, बहुत तीव्र रोग ऐसे, लेकिन समझा उसने आपको बताइए, 5-7 तो बताए हुए हैं ऑलरेडी, उसको मेरे ख्याल से दोबारा बता, लेकिन जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ते हो जानते हो समझते। अब तो ये देखा जाए, तो वास्तव में देखा जाए तो रोग तो एक ही है और तो उनका उपचार एक ही है, लेकिन फिर ये अलग अलग क्यों? भाई डायबिटीज के लिए चार्ट बनाते हैं, कुछ पेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बनाएंगे थोड़ा सा बदला रहेगा। इसका कारण है कि हमारी जो शारीरिक स्थिति क्या है, हम हमारे अंदर जो है कितने भी जाति द्रव्य ज्यादा से ज्यादा हैं, उनको निष्कासन करने में कौन सा कार्य या कौन सी चिकित्सा ज्यादा उपयुक्त रहेगी, इसकी वजह से उसमें आप उसमें एक दूसरे चेंज आ जाए। अब देखो मैं अब एक पर्टिकुलर रोग को लेकर चलता हूँ, उसी में सारी चर्चा होगी। हाँ, सबसे पहले है उच्च रक्तचाप, सॉरी पहला है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। देखो अभी है क्या चीज ये उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको। आप लोगों में से कौन बताएगा कि स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? अनम्यूट करके बताइए। नहीं मालूम, 100 अरे होना चाहिए, 100 80 80 80 और ऊपर का कितना? नहीं 100 गलत हुआ है। अच्छा इसका वो क्या होता है, यूनिट क्या होते हैं इसके, ये किस में मापा जाता है? पहले तो 120-80 होता है, इसमें भी जो है सिस्टोलिक और डायजेस्टिक होता है। तो अब इसके यूनिट क्या है, यूनिट बताइए आप। पढ़ाया तो सर ने आप लोगों को तस्वीर में mm/Hg, आप याद कर लो, नोट कर लो, ये थर्ड ईयर के पर सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के तीनों के एग्जाम में आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उनके बारे में पूछते रहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए 120/80 mm Hg, यानी मिलीमीटर या एच जी मतलब पारा। जो इंस्ट्रूमेंट होता है देखा होगा आपने अक्सर, अगर उसमें एक नली होती है उसके अंदर पारा ऊपर नीचे जाता है, तो उसको कहते हैं mm Hg। यदि अधिक से इससे अधिक रक्तचाप पाया जाए यानी ब्लड प्रेशर पाया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, इससे लो पाया जाए तो लो ब्लड प्रेशर होता है। दोनों की चिकित्सा या दोनों के कारण लगभग एक ही होते हैं, लो के भी होते हैं हाई के भी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चिकित्सा में अंतर दोनों में आ जाता है, तो बताएंगे आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 45-50 वर्ष की आयु के बाद ये माप बदल जाता है, ये 140 से लेकर के ऊपर में 170-180 तक जाता है, उसको भी नॉर्मल ही मानते हैं उम्र के हिसाब से। और नीचे का पारा भी 80 से कुछ ऊपर हो जाए, 90-95 के ऊपर की उम्र पड़ते हैं जैसे, तो उसको भी नॉर्मल माना जाता है, उसका इलाज नहीं कराना चाहिए। अब इसमें आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है? एक तो ये मशीन से नापने से मालूम पड़ जाता है, आजकल डिजिटल मशीनें भी आ गई हैं, उन पर थोड़ा लोग विश्वास कम करते हैं, डिपेंडेंसी कम रहती है उनके ऊपर, क्योंकि वो थोड़े से गलत भी बता देते हैं, 10-15 ऊपर नीचे आ जाता है, उतनी एक्यूरेसी नहीं रहती है जितनी कि ये अपने पारा वाली जो मशीन होती है उसमें। अब मान लो ये पारा वाली मशीन नहीं, तो फिर सिम्टम्स क्या आते हैं? सिर में भारीपन, सिर दर्द होना, धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, चेहरा लाल होना, पसीना आना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर का अधिक पड़ जाने से ब्रेन हेमरेज, लकवा आदि की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? फिर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ये किसी भी जगह पे निश्चित तौर पर नसों में ब्लॉकेज होगी, जिस पार्ट्स में ब्लड ज्यादा रुक जाएगा उस पार्ट में लकवा हो जाएगा, यानी आपका वो काम करना बंद कर देगा। और ब्रेन में यदि जो है ये ब्लड नहीं पहुंचा है तो उसको ब्रेन हेमरेज बोल देते हैं, यानी अनकॉन्शियस हो जाता है, याददाश्त चली जाती है आदि आदि, इस तरह के ये सारे कार्य होते हैं। और इनका कारण माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में किसी को उच्च रक्तचाप की शिकायत हो तो उस व्यक्ति को उपचार होने की अधिक संभावना रहती है। देखो भाई ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप को तो बच्चों को भी हो ही जाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन
होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए जिनके माँ बाप को या नानी नाना दादा दादी को उच्च रक्तचाप है तो उनको ज्यादा विशेष कॉन्शियस रहना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने खान पीन व्यवहार आदि में, दिनचर्या में। दूसरा, तनाव व दबाव दबाव की स्थिति में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे किसी भी तरह का मानसिक तनाव है या कोई प्रेशर पड़ रहा है किसी तरह का जिसको कि आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो उसमें भी आपका बीपी हाई होने की संभावना रहती है, बस हो ही जाता है। उसका उपाय बताएंगे, वो सिंपल उपाय है और हम लोग तो जैन है तो हम तो जानते ही हैं सभी लोग इस उपाय को, कि ये इस तनाव को कैसे दूर करेंगे इसकी चर्चा करेंगे आगे, याद दिला देना। उत्तेजक चर्चा, यानी आप बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो सामने वाला नहीं मान रहा है फिर भी आप चिल्ला रहे हो, क्रोध कर रहे हो, उत्तेजक चर्चाएं कर रहे हो, अधिक बोलना है तो बढ़ जाना स्वाभाविक है। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल को तो हम लोग लेने नहीं है कि कैसे ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना भी हाई बीपी का एक कारण होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी धमनियों में, नसों में ब्लड का रुकावट शुरू हो जाती है तो उसको ज्यादा पंप करना पड़ता है हार्ट को, तो वहाँ बीपी इंक्रीज बढ़ जाती है। खान पान, अप्राकृतिक भोजन, मांस मछली धूम्रपान तंबाकू संतृप्त शक्करा जैसे चीनी वनस्पति घी रिफाइंड ऑयल चाय कॉफी शराब मैदा सब मैदा से बने पदार्थ चॉकलेट मिठाइयाँ फास्ट फूड जंक फूड पैक फूड नमक का अधिक सेवन करने से भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। यानी यदि आप आयोडीन युक्त नमक यानी समुद्र का जो नमक है वो बीपी को बढ़ाता है, और पहाड़ का जो नमक है, पहाड़ी नमक है, सेंधा नमक है, लाहौरी नमक है, डेले वाला बड़े डेले वाला जो नमक है वो है जो है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में सहयोग नहीं करता है, लेकिन अधिक उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो है अधिक तो सभी जगह वर्जित है, अपरेक सर्वथा वर्जित, इसलिए अधिक भोजन अधिक कोई भी चीज़ खाना ये स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। मोटापे के कारण, जिनका औसत वजन जो निश्चित एक पैरामीटर है उसके अनुसार नहीं है, यानी मोटापा अधिक है, मोटापे की चर्चा पिछले अपने कार्यक्रम में की थी हमने, मोटापा क्यों होता है उसको कैसे ठीक करेंगे सारी बातें बता चुके आप लोगों ख्याल में होगा, नहीं होगा तो वीडियो पर आप उसको देख लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटापे के कारण क्यों होता है, देखो ऐसे तो यह है कि बस आम जो रोगी है उनको इतने बता देना काफी, लेकिन आप तो डॉक्टर से जाते हो, डॉक्टर बन चुके हैं, बनने जाने वाले हैं, उसकी तो विशेष जानकारी होनी चाहिए आपको। इसमें जो है शरीर में मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ में हमारी नसों और धमनियों की भी लंबाई बढ़ जाती है उसी रेशियो में, उसकी वजह से ब्लड को अधिक पंप करना पड़ता है, तो इसलिए अधिक पंप करने से उसका जो है बीपी बढ़ जाती है। अब गर्भ निरोधक दवाइयां एवं दर्द निवारक दवाइयों के अधिक प्रयोग तथा दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी ये रोग हो जाते हैं। विचार करिए, हम तो भाई कुछ ऐसा खाते भी नहीं, बाजार का नहीं खाते, नहीं खाते, हाँ लेकिन वो दवाई जरूर खाते हैं, निकाल की थायराइड की दवाई निकाल की है, कोलेस्ट्रॉल के लिए खा रहे, पूरी विटामिन डी के लिए खा रहे, विटामिन बी ट्वेल्व के बी टू के लिए खा रहे, तो इनके खाने से भी आपका अच्छा मधुमेह उपधन सुजात गुर्दे की खराबी मानसिक रोग अनेक रोगों की वजह से भी रक्तचाप बढ़ जाता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का भाई भाई का नाता है, एक आएगा तो दूसरा जरूर आएगा, ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ दोनों एक साथ नहीं जाते, इसलिए ये हुआ कोलेस्ट्रॉल हुआ, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ लिया है। अच्छा, इसका निदान, निदान तो जो सिम्टम्स मैंने बताया है उनसे भी अनुमान लगा सकते हो, और नहीं तो सबसे सरल तरीका है कि ये स्पिरोमीटर जो होता है जिससे कि अपने हाई बीपी नापते हैं उससे आप जो है आराम से अपने बीपी के बारे में पता कर सकते हो। चलिए, अब ये ब्लड प्रेशर क्या है, ये कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसकी पता करने का तरीका क्या है, जानकारी क्या है, इन सब बातों की थोड़ी सी अभी चर्चा हमारे बीच में हुई है। अब इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उपचार में देखो सबसे बड़ी बात यह है, प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही औषधि है, ये सिद्धांत आप हमेशा नोट करके दिमाग में रखना, क्योंकि हम 90% रोगों की बीमारियों की दूरी मैं उनका सुधार या उनको अच्छा करने का काम आहार के परिवर्तन से ही करते हैं, और ये सबसे बड़ा सिद्धांत हमारा आहार ही औषधि है, क्योंकि जो आहार हम ले रहे हैं यदि आप उसको औषधि के रूप में ग्रहण करेंगे तो बाहर से आपको कोई भी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह वास्तव में, लेकिन हम आहार को तो अलग कर देते हैं और औषधियों का प्रयोग करने लगते हैं। बीपी के लिए गोली आता है, गोली वो खाते हैं उससे तो खास बात में उससे बीपी हमारा कंट्रोल रहता है, ये पता नहीं है उस व्यक्ति को कि बीपी ठीक नहीं हुआ है, अब खुद भी कहता कंट्रोल रहता है, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि घर से मिट जाएंगे उसको, वो मिटता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिटता, लेकिन जो गोली खाते रहते हैं उनका कभी नहीं मिटता है, मतलब फिर वो प्राकृतिक चिकित्सा करते रहे लेकिन गोली खाते रहेंगे तो उनका हाई बीपी ठीक नहीं होने वाला है, पक्की बात है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट उसको बढ़ाते रहेंगे आपको। अभी ये पूरी खा रहे हैं डॉक्टर नहीं, सुबह दो टाइम खा लो, दो टाइम खाने वाले आप जो है 25 से 50 mg कर लो, 50 से 100 mg कर लो, और फिर जो है अन्य का एक साइड इफेक्ट रोग लगेंगे तो उनका नाश हो जाएगा, यानी जीवन भर आप उन हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके चंगुल से छूट नहीं पाएंगे, और एक प्राकृतिक चिकित्सक जो होता है वो कभी नहीं चाहता है कि आप मेरे पास जीवन भर आए,
उसका तो एक ही बता दो भैया, आप समझ लो और आप अपने घर पे करते रहिए, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अन्य लोगों को और बता सकते हैं। इतनी बड़ी चिकित्सा है ये, तो अब ये थोड़ा सा हम लगभग ऐसी डाइट चार्ट आपको सभी बीमारियों में रहेगा, थोड़ा बहुत तेज हो सकता है, वो आपको बता सकते, बता देंगे। प्रातः काल एक नींबू का रस, और देखो एक चीज और है बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, जौ या गेहूं एक गिलास में लगभग 20 से 25 ग्राम यानी 2 चम्मच डाल दीजिए, दोनों चीज यूज कर सकते हैं, धो करके डाल दीजिए, सुबह उनको मसल दीजिए, मसल के उस पानी में एक नींबू डाल दीजिए और धीरे धीरे बैठ करके उसको स्वाद लेकर के धीरे धीरे चम्मच से पिए या घूंट घूंट पिए, बैठ करके पिए, जल्दबाजी से पिए, है ना। सुबह का काम यह है, यानी उसको कहते हैं उषापान, सूर्योदय के बाद इसका सेवन करना चाहिए। ये एक उसमें पानी आप बढ़ा सकते हो, 1 ग्लास 1.5 ग्लास 2 ग्लास, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी स्थिति हो उतना कर दिया है। सुबह 7 से 9 बजे नाश्ता में 5 आंवले का रस, सब्जियों का रस अथवा फल या फलों का रस लेना चाहिए। आंवले नहीं है तो सूखा हुआ आंवला है, उसके पाउडर को पानी में दे दिए, उस पानी को ये आंवला जो है ना, ये बहुत बड़ी औषधि है हाई बीपी के लिए, इससे बीपी कंट्रोल तो ही हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि उसमें जो चीज़ बता रहे हैं वही लेना है, सब्जियों का रस अथवा फलों या फलों का रस। आंवला सब्जियों के साथ भी आप ले सकते हैं, फलों के साथ भी ले सकते हो, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जैसे प्रातः आपने 6 बजे नींबू पानी लिया है, तो ये 7 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक ये नाश्ता अपने को लेना चाहिए। मंदिर जाने के बाद, दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद 9 बजे तक ले सकते हैं आप, जैसा आपका रूटीन हो वैसा करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोपहर में 11 बजे तक, 11.5 बजे तक मैक्सिमम, देखो मैं जितनी चीज करना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा। जी नहीं, हमारा तो रूटीन था 2 बजे भोजन करने का है, पर अभी तो हम पोहा खाते हैं, जलेबी खाते हैं और हैवी नाश्ता कर लेते हैं, 2 बजे हम रोटी खाते हैं, बंद करना पड़ेगा, उनको बीपी ठीक करना है। तो 2 रोटी मल्टीग्रेन आटे की लेना है, यानी जैसे आजकल मिलेट्स बोलते हैं ना, देखो एक बात ध्यान रखना, मिलेट्स के बारे में भी लोगों को बड़ा भारी कंफ्यूजन है। जो बाजार में आटा या साबुत अनाज मिलेट्स के नाम से जिसका मिलेट्स लिखा हुआ है वो आता है, उसको मिलेट्स मानते हैं, और घर के जो बाजार में जो, अच्छा वो क्या कि पैकिंग वैकिंग में आएगा, बड़ी कंपनियां बेचेंगी तो वो 20-25-30 रुपए किलो वाला आपको 80-90-100-150 रुपए किलो देंगे और उसको मिलेट्स मानते हैं। बाकी जो है बाजार में जो लूज में जो मिल रहा है उसको मिलेट्स मानते ही नहीं, ये गलतफहमी पाले हुए लोग, इसको दूर करिए। आपको गेहूँ के अलावा चना, जौ, ज्वार, मेथी, आपकी बाजरा, नाचनी, ये सारी चीज़ें जो है, रागी, नाचनी को रागी भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलेट्स के अंतर्गत आती है। आप बाजार से ले लोगे, घर पर शोधन करके आटा बना लोगे, उसकी रोटी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आपको, बिल्कुल आप उस छलावे में नहीं आए जो लोग पैकिंग करके देखते हैं मिलेट्स के नाम से। तो 2 रोटी मल्टीग्रेन आटा की, 250 से 300 ग्राम उपरी सब्जियाँ और 300 से 350 ग्राम तक सलाद ले लीजिए। ये आपका सुबह का यानी 11 बजे का, यानी इसको कहें हम लंच, ये आपका लंच। दोपहर में 2 बजे मौसम के अनुसार उपलब्ध फलों का रस लेना, जैसे संतरा है, मौसमी है, सेब फल है, किसी भी फल का 200 ml 250 ml रस, रस पीने का तरीका वही है, नमक नहीं डालें उसमें, शक्कर नहीं डालें उसमें, खट्टा तो खट्टा पीजिए, मीठा तो मीठा पीजिए, जैसा है वैसा ओरिजिनल पीजिए, बर्फ नहीं डालें, फ्रिज में नहीं रखें, ताजी निकाल के उसी समय निकालें, उसी समय पीजिए, स्टोर नहीं करें उसको। और आप उसको बैठ करके धीमे धीमे, चाहे तो आप चम्मच से पिए, आजकल वो एस्ट्रो से भी जो पीने लगे वो भी ठीक है, वो भी धीमे धीमे जाता है एस्ट्रो से पीते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक एस्ट्रो पे तो बैन लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, इसलिए उनका इस्तेमाल न करें। सूर्य से पहले मौसम अनुसार फल, केला, सेब, अमरूद आदि 200 से 500 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं, जैसे आप के शरीर को अन्न नहीं लें बिल्कुल इंसान को, क्योंकि देखिए एक बात और बता दें, एक समय था जब हाई ब्लड प्रेशर 50 साल 57 साल की उम्र के बाद ही होता था, पहले किसी हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन आजकल तो 15-30 साल के लड़कों को हाई ब्लड प्रेशर जो हो रहा है कि वो टेंशन पालते हैं, फालतू का टेंशन पालते हैं, कहीं किसी का टेंशन है, कहीं पढ़ाई का टेंशन है, किसी को नौकरी का टेंशन है, किसी को शादी का टेंशन है, एक एक टेंशन को क्या क्या बताएं, किसी टेंशन है, लेकिन उस टेंशन को दूर करने का एक ही उपाय है, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इस सिद्धांत को आप ये जो है अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। अरे पास होना होगा हो जाएंगे, नौकरी मिलनी होगी हो जाएगी, शादी होना होगी हो जाएगी, नहीं होना तो नहीं होगी, तो अपना टेंशन को कम ही नहीं किसी भी तरह का। और हमारे स्वाध्याय मुखियों में भी टेंशन रहता है कि हमको इतने साल हो गए समय दर्शन क्यों नहीं हुआ, अरे वो जब पर्याय समय दर्शन की आने होगी तब आएगी, तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगा। तुम तो बस एक निर्णय करो कि मैं मात्र आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ऐसा निर्णय करने से वो तुम्हारी सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष लक्ष्मी पीछे घूमेगी, ऐसा निर्णय करने वाले को। और आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं उन्होंने यही पंथ बनाया, यानी उन्होंने जो है ये निर्णय किया है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय मात्र कर लो, न तो ठीक है शुभ कार्य करने की मना नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उससे अपना धर्म मान लेना ये जैन धर्म नहीं है।
उसमें मुक्ति मान लेना, उससे मुक्त मार्ग हो जाना, उससे जो है समय दर्शन हो जाना, ये मान लेना सब भावों से, छोड़ बोलो सब नहीं करना सब बात क्या है, आप जानते हो स्वाध्याय सब लोग लगभग, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका निर्णय हो जाएगा एक बार तो ये सब तो पीछे करेंगे आपके। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका आहार व्यवस्था हुई, आहार चिकित्सा हुई, इसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिले बिना रही रहने। अब इसमें जो 80% तो काम से हो गया तुम्हारा, अब 20% रह गया उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि आप लोग प्राकृतिक चिकित्सक हो चुके होने वाले हो, ये जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें प्राकृतिक चिकित्सा क्या क्या दे सकते हैं इन लोग इस तरह के रोगों में, जैसे टहलना रह गया अपना, मिट्टी पट्टी, एनीमा, रीड स्नान, पूर्ण कर स्नान, ठंडा कट स्नान, चूर स्नान, वायु स्नान आदि। वायु स्नान का मतलब ये नहीं कि हमने एसी चालू कर दिया और उसकी ठंडी हवा आ रही, हमारा वायु स्नान हो गया भैया। सुबह के टाइम खुले में ओपन स्पेस में टहलना, घूमना, दौड़ लगाना, भागना, शारीरिक हलचल करना, गहरी सांस लेना, इसको वायु स्नान कहते हैं, और ये प्राणायाम आदि करना, इसको कहते हैं वायु स्नान। ठीक है, अब इसमें योगासन में क्या है, टहलना, तैरना, सलवासन, शवासन, सूक्ष्म व्यायाम, गोमुखासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ओम प्राणायाम आदि, साधक की स्थिति के अनुसार करना, उम्र और स्थिति दोनों ही के हिसाब से ये करना चाहिए। अब जो अब आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप एनडीडीवाई का कोर्स कर रहे हैं, तो ये सलवासन क्या होता है, शवासन क्या होता है, सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है, इसकी व्याख्या करने की आपको लग रही है क्या, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन बेटर है कि आप उसमें योग की किताबें पढ़ लें या कोई योग की क्लास आप ज्वाइन कर लें, इससे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। तो वास्तव में अब ये उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ओम प्राणायाम आदि, साधक की स्थिति के अनुसार करना चाहिए। निषेध आप जान गए हो, निषेध तो यही है कि वो मेनली हाई ब्लड प्रेशर वाले को उनका कोलेस्ट्रॉल न बढ़े, इसलिए घी, दूध, मक्खन आदि का निषेध बताएंगे। दही का इस्तेमाल कर सकते हो, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मात्रा कम, और यदि शुद्ध दूध उपलब्ध हो तो, यदि मिलावटी दूध आपके पास आ रहा है, केमिकल वाला दूध आपके पास आ रहा है, उससे तो अच्छा है आप नारियल का दूध इस्तेमाल करिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी, नमक, रिफाइंड ऑयल, चाय, कॉफी। अब इसमें बीपी लो होता है, तो लो बीपी के लिए बाकी सब काम एडिटिव है, बस जहाँ भी वहाँ परेशानी हो उसको जो है गुड़, आंवला या नींबू और नमक और पानी, इसका घोल का इस्तेमाल नियमित करें या जब बीपी लो तब करें। तो एक ये इंस्टेंट इलाज है लो बीपी का, आप इसको लेते ही विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर आपका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, लो से नॉर्मल आने का आ जाएगा। और यदि ये लो बीपी के जो है वो नियमित एक दिन में 2 या 3 बार लेते रहेंगे, उनको लो बीपी की शिकायत खत्म हो जाएगी, बाकी सारा कार्य हाई बीपी जैसा ही अपनी दिनचर्या रखनी है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब लो बीपी हाई बीपी ये दोनों का आपका ये हो गया इसमें। अब इसके बाद कोलेस्ट्रॉल, यही सारी दिनचर्या कोलेस्ट्रॉल की है, बस उसमें आपको अलग से थोड़ा सा जो है घी वगैरह बंद करके तेल की मात्रा भी कम करके, और चीनी वगैरह तो चीनी हाई में अपना कोलेस्ट्रॉल वाले को दूध भी बंद करना है, घी भी बंद करना है, और मावा वगैरह ये तो सारे बंद हो ही जाएंगे, तो बाजार में सब मिलते भी नहीं है, तो अपने लिए कोई यूज ही नहीं होता। बाकी जो है सुबह घूमना और व्यायाम करना, ये कंपल्सरी है कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, आई बी पी के लिए भी, लो बी पी के लिए, यानी शारीरिक कुछ ना कुछ शारीरिक मेहनत कह लो या शारीरिक श्रम कह लो अत्यावश्यक है। जो लोग उनको आप बता सकते हो, आप लोगों ने शायद नहीं होगा कोई जो लगातार 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे कंप्यूटर पर काम करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, उनको 2 टिप्स में दे रहा हूँ और उनको उसमें जो है दिक्कत नहीं आएगी। सर 15 से 20 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए आप वो बंद करें, और मुश्किल से 2 मिनट तक गीला रुमाल आप रख लें, और फिर दोबारा जो है अपना काम शुरू करें, और हर 1.5-2 घंटे बाद अपनी सीट से खड़े होकर के, एक तो सीधे खड़े होकर के ताड़ासन लगाएं, यानी पूरे हाथ ऊपर को करके थोड़ा पीछे झुक के उसको ताड़ासन बोलते हैं, ताड़ासन लगाएं, और थोड़ा सा 5 मिनट तक अपने ऑफिस में टहल लें, उसके बाद हर 1.5 घंटे बाद ऐसा 2 घंटे बाद करें, तो उनका टेंशन फ्री रहते हैं और शारीरिक जो असमेंट आता है, यानी कमजोरी, कोलेस्ट्रॉल बनना, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन हो जाती है। ये टिप्स दोनों बिल्कुल आप याद रखें, या जो करते हैं आपकी बात मान जाए उनको बता, नहीं माने तो उनका बात हम क्या कर सकते हैं, सीधी सीधा। ठीक, अब कोलेस्ट्रॉल वाले को भी डाइट यही रहेगी, और डायबिटीज वाले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा डायबिटीज को, हमको घरेलू उपचार बताते हैं। डायबिटीज वाले को गिलोय और चैत्रायता बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना के रख लेते हैं, 1 टीस्पून चावल 50 ml पानी में उबाले, जब उबल के आधा रह जाए तो छान के उसको भोजन से पहले सुबह पी लें और भोजन से पहले शाम पी लें, उनका भी भोजन ही रहेगा, यानी मीठा टोटली ना हटाएं, मीठे के रूप में आप फल ले सकते हैं, मीठे फल, और आप लेकिन थोड़ा ध्यान रखें सुबह जब फल लें तो उसमें अनार न लें, आम भी ले सकते हो, आम मना करते हैं लोग, आप ले सकते हो, मुनक्का ले सकते हो, छुआरा ले सकते हो, पिंड खजूर ले सकते, पिंड खजूर का ध्यान रखें कि उसमें जो शक्कर पिचासी मिला दी जाती है वो पिंड खजूर में, क्योंकि उसमें आपको सफेद शक्कर मिल जाएगी,
इसलिए मधुमेह में इतना चेंज है। मधुमेह की थोड़ी चर्चा करते हैं अपन। जिन देशों में खान पान ऐसो आराम के साधन ज्यादा सुलभ है वहां पर डायबिटीज के रोगी अधिक है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 6.5 करोड़ लोग, अब तो ज्यादा होंगे, तो पुराना सर्वे ये चल रहा है, प्रभावित है। कहने का मतलब ये है कि भारत भी क्या है, देखो अभी तक इसको जो है लोग क्या पिछड़ा हुआ देश बताते हैं, अब इसको आधुनिक देश की संज्ञा देने लगे, मानिए ये अब प्रोग्रेस कर रहा है। तो जब प्रोग्रेस होगी तो डायबिटीज के मरीजों की भी प्रोग्रेस होगी, ये पक्की बात है। इसलिए ऐसी प्रोग्रेस करना है तो बिल्कुल आगे बढ़ जाइए आप। और इसको जो है कौन से देशों में गिनेंगे, एक तो पिछड़े हुए देश और एक जो एडवांस। तो अब मन लोग प्रसन्न होते हैं अपने देश के कि भैया अब तो हमारा देश एडवांस देश बनने जा रहा है, क्या है नेता मोदी के नेतृत्व तो बनने जा रहा है। आज आप जो कुछ भी हो सभी लेना देना नहीं राजनीति से। तो मेरा कहने का मतलब भैया तो आपकी ये बीमारियां भी एडवांस हो जाएंगी, क्योंकि आपका आधुनिक जीवन जीने की जो स्थिति बनती जा रही है वो भी रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक एसी में ही रहते हैं, उनका तो जो है कभी पसीना निकलता नहीं है और टॉक्सिटी इकट्ठी होती रहती है, तो कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो गलत की बात है कि फिर उनको वो जो है दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं। देखो रोग तो हमारे कुपथ के कारण हुए हैं, यानी कुपथ मतलब हमारा खान पीन सुव्यवस्थित नहीं है, हमारा रहन सहन व्यवस्थित नहीं है, रोग किससे हुए हैं और हम उसको दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे संभव है? कैसे ठीक होंगे वो? तो वो होंगे कुपथ से होने वाले रोग पथ के सेवन से ठीक होंगे भाई। जिससे रोग हो रहा है उसके एंटी से ही तो रोग ठीक होंगे। इसलिए डायबिटीज में ये काला दोनों टाइम भोजन से पहले, और डाइट तो वही रहेगी मल्टीग्रेन रोटी और दो वो ऐसी शाम को भी जो है वही फल वगैरह जो बता दिया है उसी बात नोट कर लीजिए डायबिटीज में भी। लेकिन डायबिटीज का भी कारण अनुवांशिक भी होता है, मोटापा भी एक कारण है, अनियमित आहार भी एक कारण है। जो लोग बैठ करके शारीरिक श्रम के बिना कार्य करते हैं उन्हें भी डायबिटीज की अधिक अधिक होने की संभावना होती है। तनाव दबाव चिंतन लोगों को एड्रिनल पिट्यूटरी थायराइड ग्रंथियों में प्रभावित होने से डायबिटीज होती है। क्रोन ग्रंथि पैनक्रियाज में सूजन खाना या अन्य किसी कमी से इंसुलिन नाम के एंजाइम का कम अथवा न बनने से शरीर में शर्करा का चयापचय पाचन ठीक से नहीं होने से रक्त व मूत्र में शर्करा बढ़ जाती है। देखो वास्तव में क्या है कि यदि शर्करा यानी डायबिटीज यानी मधुमेह ये नहीं हो जाए तो आदमी का जीवन खत्म हो जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, कंपल्सरी है। लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, बस ये है मेन बात। क्या अधिक अधिक होने के कारण डायबिटीज के बारे में बहुत थोड़ा सा खुलासा करना चाहूंगा मैं आपको कि डायबिटीज का मेन कारण है टेंशन। आप तनावग्रस्त रहेंगे तो डायबिटीज आपको पकड़ लेगी थोड़ा, और उसके साथ में यदि हम देखो तो मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है, लेकिन मीठे में यदि आप हाई पॉइजन खाएंगे, हाई शक्कर खाएंगे तो उससे आपको डायबिटीज होने की पूरी संभावना रहती है। आप हाइट शक्कर के अलावा गुड़ खाइए, कभी डायबिटीज आपको नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगी, आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। एक्चुअली में डायबिटीज है क्या चीज, इस पर थोड़ी सी चर्चा आज आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। हमारे ब्लड में एक निश्चित मात्रा कोलेस्ट्रॉल की होती है और एक निश्चित मात्रा जो है शर्करा की होती है। शक्कर नहीं होती, ग्लूकोन होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोन बनता है, ग्लूकोन हमारे शरीर में जाता है, इसको कहते हैं शर्करा हिंदी में, तो वो कंपलसरी है। तो जब भी किन्हीं कारणों से हमारा जो शक्कर है वो तो शर्करा में परिवर्तन नहीं होता है, उसके लिए पर्याप्त इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं बन रहा है, तो वो शक्कर हमारी जो है एक्स्ट्रा जो शक्कर जो है ना वो ग्लूकोन नहीं बनने की वजह से वो ब्लड में अधिकता हो जाती है। उस अधिकता को ही हम डायबिटीज बोलते हैं। शक्कर की बीमारी होगी उससे जो है शरीर में हानियां बहुत होती है। क्या क्या होती है बताते हैं। मूत्र तथा रक्त में शर्करा बढ़ने से गुर्दा लीवर प्रभावित होता है, तथा सूक्ष्म नाड़ियों में खून का प्रभाव रुकने से गैंग्रीन आदि रोग हो जाता है, हार्ट अटैक व ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब डायबिटीज के कारण। इसमें भी आहार चिकित्सा के बारे में कुछ बताया है, जैसा कि आपको बताया प्लाते नींबू पानी 1 गिलास, चिराता जमुई का और सूखा करेला और नींद भी मिल जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 बच्चों का तो संभार में लेकर पाउडर बना ले और इस पाउडर को 5 ग्राम यानी 1 टीस्पून 200 ml पानी में वाले 50 ml रहने पर छान कर नियमित पिए। अब यहाँ 200 पानी दिया है तो कुछ दिक्कत नहीं, मैंने 100 ml दिया था तो 50 ml था, मन फोत ज्यादा अच्छा है उसके ज्यादा हो जाते हैं मोलिकुल, उसके जो है वो ज्यादा लाभकारी होता है। इसको नियमित लेना है और ये लेते रहेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। तो इंसुलिन की मैं बात कर रहा था बीच में रुकी हूँ, तो जब भी हमारी पैनक्रियाज की कार्य क्षमता कम हो जाती है, कार्य क्षमता क्यों कम होती है उसका भी कारण है हम शरीर में शक्करा ज्यादा लेते हैं, यानी दूसरा ट्रांस ट्रांसफैटिक अपना ये ट्रांस शुगर यानी रिफाइंड शुगर, जिसमें कि कैल्शियम आदि कुछ नहीं होता, सिर्फ शुगर थोड़ा ग्लूकोज होता है, उसको जब ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारी पैनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन देना पड़ता है, उससे उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, उससे इंसुलिन कम निकलने लगता है, तो वो शर्करा जो है एक्स्ट्रा जो है वो हमारे उसमें चली जाती है, यानी ग्लूकोज हमारे जो है ब्लड में और यूरिन में चला जाता है। इससे ये सारी विकृतियां पैदा होती है जो मैंने आपको बता दी अभी। इसलिए आप लोग जो है खान पीन पे विशेष ध्यान रखें और भोजन के नियम तो बता चुके पहले, धीमे धीमे करें, चबा चबा के करें, जल्दी नहीं करें, टीवी देखते नहीं करें, आदि आदि बहुत सारी बातें हमारी चर्चा में पहले आ चुकी हैं। और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो किताब होगी आपके पास, उसको पढ़ लीजिए, आपकी समझ में नहीं आया सोच लीजिए, हम
हाँ लेकिन अभी अपने पास तो अभी ऐसे तो टाइम हो चुका है, लोग बच चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी के कोई संबंध में मुश्किल हो तो आप लोग अभी जो है पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपने यहाँ ग्राम लेके। अभी तो फ्री जो डायबिटीज में जो लोग दवा ले रहे हैं तो वो लोग भी ले सकते हैं क्या? जो क्या लेते हैं? दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयां दवाइयां उसमें दवा ट्रीटमेंट वगैरह इंसुलिन वगैरह जो लेते नहीं हैं नहीं डायबिटीज देखो के, ऐसा है, जो लोग टेम्पलेट नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए ये इलाज सही नहीं, ठीक है हाँ ना? तो गुड़ नहीं ले सकते ना? नहीं मैं तो उनका डॉक्टर बताएगा, वो कहते हाँ हैं फिर गुले नहीं, गुले लो, वो ये डॉक्टर ये कहे गुले लो गुले लो, नहीं देखो मतलब देखो हाँ जिसका दवाइयों के हिसाब भी से, दवाइयों के हिसाब से मतलब उनकी डाइट बनेगी फिर। वो जाने डाइट, वो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ उस संबंध में, और दवाइयों में क्या केमिकल दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, कौन कौन सी दे रहे हैं काय काय की दे रहे हैं, ये मेरी नॉलेज जी में तो जी नहीं, मैं दवाइयों के बारे में जानता भी नहीं कुछ, तो मैं क्या बता दूंगा आपको, ठीक है ना? इसलिए ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाई वाला बताएगा, दवाइयाँ बंद करना है तो मैं बता दूंगा, जी और ये लोबी पी का क्या डॉक्टर बताया था वो बता दीजिए एक बार फिर से, लोबी पी कहा? जो आपने पानी बताया था वो गुड़ आमले नमक का हाँ एक बार वो वो बता दीजिए। मैं ठीक है, कोई बात नहीं दोबारा बता देगा। लो बीपी वालों को 1-1.5 ग्लास पानी में कम से कम 40-50 ग्राम गुड़ डालें, 1 टीस्पून नमक डालें, और एक नींबू या आंवला या आंवले का रस या सूखा आंवला या नींबू निचोड़ करके चम्मच से धीरे धीरे पीजिए, ठीक है ना? तो लो बीपी इमीडिएट आधे घंटे में अंदर जो है रिकवरी आ जाती है। अब इसको यदि इनकी भाषा में कहें तो ORS घोल, वास्तव में वो हाँ शक्कर ORS में शक्कर डालते, शक्कर नहीं डालना चाहिए, वो नुकसान पाएगा, गुड़ आता है, वो भी देसी गुड़ होना चाहिए, ये ध्यान रखना, केमिकल वाला नहीं नींबू 1 चम्मच आता है, है। एक नींबू कितना बताया? नींबू पूरा, नींबू पूरा हाँ, और ये नमक 1 चम्मच, 1 टीस्पून लगभग 3 से 4 ग्राम के करीब, 5 ग्राम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और नमक भी सेंधा लेना, ध्यान रखना वो नमक मैं नहीं बैठा वाला हूँ, हाँ वही सेंधा नमक यूज करते हैं, हाँ उसी को यूज करें, उससे वही ज्यादा यूज नमक होता नहीं, है। हाँ मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके यहाँ वो वैसा नमक लेते हैं, ठीक है ना? आप क्यों नहीं लेते, अच्छी बात है। ओके, और कोई एक प्रश्न है जो आप ग्राम लेते हैं?